चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सुब्रत, सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मोटीज में जी। आज आप लोगों को लेके मैं बहुत ही कमाल का फीचर्स लेके आया हूँ। जो व्हाट्सएप का जो न्यू फीचर आने वाला है उसके बारे में आपको जरूर मैं आज बता दूंगा, जो क्या क्या फीचर्स आने वाला है तो जरूर वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो का चलिए जान लेते हैं जो व्हाट्सएप का क्या क्या नया फीचर्स आने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं जो क्या क्या नया फीचर्स आने वाला है। वो है मैग्निफिकेशन ग्लास। जो मैग्निफिकेशन ग्लास क्या होगा जो आपको आपको अच्छे तरीके से समझ देता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जब आपको कोई भी मैसेज करता है तो फॉरवर्ड मैसेज लिखा रहता है ऊपर में, तो फॉरवर्ड मैसेज जो होता है बहुत सारा मैसेज क्या होता है वो फेक होता है जी दोस्तों। बहुत सारा मैसेज फेक होता है, लेकिन उसका हम लोग का सच्चे जानकारी ना करते हुए हम लोग क्या करते दूसरे को भेज देता हूँ। उसी के ऊपर व्हाट्सएप के बहुत ही फीचर्स लेके आए जो मैग्निफिकेशन ग्लास। आपका अगर कोई भेजता है जिसके ऊपर फॉरवर्ड लिखा रहेगा उसके साइड में मैग्निफिकेशन ग्लास रहेगा, उसे क्लिक करके उस न्यूज का आप सच्चाई जानकारी कर पाएंगे जो सही है या गलत है, तो अभी जाकर आप दूसरे को भेजेंगे। ये दोस्तों कमाल का फीचर जरूर होने वाला है, क्योंकि बहुत इसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो रहे थे और बहुत सारा इस जगह प्रॉब्लम हो रहे थे, बहुत सारा फेक न्यूज़ आते थे व्हाट्सएप में। तो शायद अभी हो सकते फीचर आने के बाद आपको बहुत ही क्या होने वाला है, हेल्प होने वाला है दोस्तों, है ना, हेल्प होने वाला। चलिए जान लेते हैं दूसरा फीचर क्या है। दूसरा फीचर आपको ये होने वाला है, जब भी आप क्या करते हैं SMS को सेंड करते हैं तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, हम लोग 1 घंटे के बाद ही उसको डिलीट कर पाते थे ये दोस्तों। 1 घंटे के बाद हम लोग को उसको ऑटोमेटिक डिलीट कर सकते थे, उसको ऑल फॉरवर्ड कर सकते थे। लेकिन आपको एक नया फीचर आने वाला है जिसमें आप टाइम सेट करके उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लो किसी SMS भेजा है, भेजने के बाद आपको उसका टाइम लगा दिया 10 सेकंड, तो 10 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, है ना कमाल का फीचर, बहुत ही कमाल का फीचर होने वाला है। तो जरूर चलिए तीसरा फीचर क्या जान लेते हैं। जो तीसरा फीचर आने वाला जो QR कोड जी दोस्तों, QR कोड क्या होने वाला है, जो QR कोड क्या होगा, आपका प्रोफाइल में आप लोग क्या करते थे, हम लोग किसी का नंबर लेके उसको सेव करके तभी जाकर व्हाट्सएप कर पाते थे। लेकिन अभी क्या होगा, जो QR कोड दिया जाएगा, जो QR कोड स्कैन करके आपको डायरेक्ट कोई SMS कर सकता है, हो सकता है बहुत ही कमाल का फीचर होने वाला है। लेकिन जितना सारा मैं फीचर बोल रहा हूँ तो पहले पहले आपको बीटा यूजर को मिलेगा, उसके बाद ही सभी यूजर को मिलने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं तीसरा चौथा फीचर क्या है। चौथा फीचर ये होने वाला है जो एडवांस सर्च ऑप्शन आएगा जी दोस्तों। अभी आपको व्हाट्सएप में जाके आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन जो चीज को सर्च कर सकता है, जैसे कि SMS में कुछ भेजा जो हाई सर्च करेंगे तो हाईलाइट हो जाता है, वो आ जाता है। लेकिन आपको अभी एडवांस सर्च में क्या मिलेगा, आप इमेज सर्च कर सकते हैं, कोई वीडियो को सर्च कर सकते हैं, कोई लिंक सर्च करते हैं, मतलब A to Z आप सर्च कर सकते हैं, है ना कमाल का फीचर। ये बहुत ही कमाल का फीचर होने वाला है, ये बहुत ही जल्द आने वाला है, तो सभी आपको मिल जाएगा। जितना अपडेट होगा मैं जरूर आपको मैं बता दूंगा जब कब आने वाला है। तो अभी यही इन्फॉर्मेशन मिला है, इसलिए अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना, कमेंट कर देना, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर कर देना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। चलिए अब मिलते हैं अगला वीडियो के ऊपर। जय हिंद, जय।